चलते हैं मामा के साथ मामा का काम करवाने के लिए। अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आजा मेरे पास। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप करता हूँ आपसे अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुकी है भाई, और पीछे का वेदर आप चेक कर सकते हैं एक बार, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है भाई। सब देख लो, पर व्यू चेक करो यार आप पीछे का, एक नंबर भाई। सुबह सुबह बिल्कुल यहाँ पर नेचुरल हवा लगती है बिल्कुल भाई। घूमने आया करो आप भी, मतलब घूमने जाओ सुबह सुबह, पार्क वगैरह में तो ऐसे ही है, लेकिन गांव की जो खेत है ना, इतनी नेचुरल हवा लगती है बिल्कुल ठंडी ठंडी, मज़ा ही आ जाता है। देखना यार हवा एक नंबर, बिल्कुल शुद्ध हवा। सुबह सुबह ब्रूस, और यहाँ भैंस को दवाई देना भाई, सच्ची में भैंस की तबीयत खराब हो रखी है भाई, उसको दवाई पिलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम। इस गर्मी इतनी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गंदी यार, इतनी धूप निकल रही है, कभी मौसम कभी यहाँ का कभी बहुत ठंडा हो जाता है, और ऑटोमेटिकली कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब निकल रही है बहुत गंदी वाली धूप, और भाई साहब सच में अब नहाने का मन कर रहा है, अब सोच रहा हूँ मैं जल्दी नहाऊंगा। हाँ भाई बच्चे, निक्कू क्या कर रही है? पानी पी रही है, मुझे पिला दे पानी। इनू इनू हाँ, और बड़े मामा की रेस की निकल चुकी है भाई, गैस गैस भरवाने के लिए आए हैं भैया। भैया आज भर जाएगी गैस या नहीं भर पाएगी? भर जाएगी ना, कल तो भैया आए थे यार आप, कल तो भरी नहीं भाई। चलो कोई नहीं, कल तो लाइट ही नहीं आई थी। गाइस गाइस देखो एक नई चीज़ यार, इस बाइक का एक्सीलेटर देखो यार, शुरू होते ही ख़त्म हो रहा है ये तो। यार सच में कैसे चलाते हैं कार, चला लेगा तू उसे? देर होगी, रामपाल से नहीं मिले हैं, और भाई माई नहा रही है आज, तो रामपाल नहा रहा है आज, तो रामपाल भूरा होएगा। रामपाल नहा ले बेटा, और इसकी अम्मी वो नहा दो के वो भी अपना आराम विश्राम कर रही है। चलते हैं मामा के साथ मामा का काम करवाने के लिए, थोड़ा सा घूम के आते हैं। वैसे चश्मा देखो कितना बड़ा लग रहा है, देखो मामा। मामा तुमने तो हेलमेट लगा रखा है, तुम्हें क्या जरूरत चश्मे की? आँखों में ये तो है, थोड़ा बहुत घूम के आएंगे, मस्ती करके आएंगे। बड़ी गंदी नींद आई थी भाई सच में यार, एक नंबर मज़ा आ गया बाइक की, ये कहने क्या यार। मैं तो सोता सोता आया हूँ पूरी की पूरी बाइक पे, और वैसे तो पहुँच चुके हैं मामा की डेस्टिनेशन पे, ये डाकघर। मामा यहीं पर जॉब करते हैं। मैं तो नहाया धोया भी नहीं हूँ, ऐसे ही आ गया उठ करके, बहुत गंदी हालत हो रही। देख लो यार बाल बोल सब बिगड़े पड़े हैं, सब ऐसे ही आ गया। देखो हमें क्या मिल गया, करकेटा भाई, इसकी कितनी लंबी पूंछ है देख लो, इतने सारे कागज है कि तो समझ में ही नहीं आ रहा, काम करने से लग रही है अपना पंखा चल रहा है पूरे भाई, बिल्कुल गर्मी की नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है भाई, बिल्कुल हवा लग रही है एक नंबर, कूलर चल रहा है कूलर। घर पहुंचने वाले हैं भाई बाइक पे, भाई मामा बहुत तेज बाइक चलाते हो तुम सच में। हाँ मैं उछल गया भाई सच में, गिर जाता सच में, हालत ख़राब होगी। इधर आ चुका हूँ भाई यार, इतनी गंदी नींद आ रही यार भयंकर वाली सच में, आर कुछ लग रहा है यार, क्या करूँ, ऐसा मन कर रहा है जा बेड पर सो जा खाट पे, आहा आराम से बिल्कुल, बहुत गंदी वाली खतरनाक नींद आ रही है। तो दोपहर में नींद एक नंबर आती है वास्तव में, और बाय द वे इससे डर लगता है, और मेरे को डर लगने लग गया है। देखो इसके कुछ ज़्यादा ही हाथ पैर लिखने लग गए हैं, अरे देखो देखो मारती रहती है, मैं सब ज़्यादा नहीं बोलता, मेरा भाई तो वो ही है रामपाल, राम जी रामपाल अभी वहाँ अपने सिर छप्पड़ में बांध रखा है हमने अपनी वो सीरख में, वैसे तो ये भी सीरख में बंध रही है, इन दोनों को अलग अलग करते हैं हम, क्योंकि इन दोनों भाई बहुत खतरा लड़ाई होती है, कॉन्ट्रोवर्सी चल के अंदर माँ बेटा के अंदर। डमरू ओ डमरू, हमारा टटोला कहाँ है? हमारा टटोला कहाँ टूट गो?
ना दो और हमारा खटोला लिया, हम खटोला पे बैठेंगे जा जल्दी का अंदर से जा, जा अंदर है अंदर। कह रहा क्या कह रहा है? ये मेरा खटोला है, इस पर मैं सोऊंगा, ये सिर्फ मेरा है, ये तेरा नहीं है, ठीक है? तेरी खाट है, तू जा अपने घर और खाट पे सो जा, चल जा जल्दी। हाँ तू क्यों रो रही है, क्या चाहिए बता? फोन, फोन चाहिए? बिना फोन के ना रह सकती हैं? पहले मैं दे दूंगा। अब तू देखेगा। अच्छा और ये चांद में क्या मार ली भाई? इसने चांद फोड़ ली, देख लो भाई डमरू ने। वाह ऐब करता रहा तेरे पे, ऐब करने के अलावा कुछ है ही नहीं। फोन दे दीदी को, चल दीदी को दे, दे जल्दी दे। कोई ना आ जा, मेरा फोन ले जा, आ जा।